खबरों की नई पहचान। झारखंड के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक रामचंद्र चंद्रवंशी झरिया स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे और प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए रामचंद्र चंद्रवंशी ने बताया कि झरिया के कई क्षेत्रों में जाकर हमने अपने समाज के लोगों से मिल झरिया से भाजपा प्रत्याशी रागनी सिंह को जिताने की अपील की। इस बार झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से जनता काफी प्रभावित है। उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनते ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, साथ ही साल में 2 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज राज्य में बालू नहीं मिल रहा, जिससे गरीब अपना घर नहीं बना पा रहे हैं। हमारी सरकार में बालू फ्री में दिया जाएगा, 2000 बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपया हर महिला को दिया जाएगा। साथ ही पूर्व मंत्री ने कहा भाजपा ने चंद्रवंशी समाज को सम्मान दिया है, भाजपा ने ही चंद्रवंशी समाज से हमें मंत्री बनाया, भाजपा के रहते झरिया नहीं उजड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा मकसद यही है कि हमारे दल के प्रत्याशी श्रीमती रागनी सिंह जो है यहाँ झरिया विधानसभा से खड़े हैं और उनके प्रचार के लिए मैं आया हूं। और इसलिए मैं आया हूं कि पूर्व में मैं भाजपा से बहुत दिन से कार्यरत हूं और हम विधायक भी रहे हैं और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वर्तमान विधायक। और मुझे दायित्व तो बनता है कि किस तरह से रागनी सिंह को मैं जिताऊं। इसलिए मैं घूम घूम कर प्रचार कर रहा हूं कि मोदी जी का सपना को साकार करें और मोदी जी ने जो काम किया है उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जन धन योजना से लेकर आपको गृह आवंटन और गैस चूल्हा और गैस सिलेंडर, आपको आवास और हमारे जो शौचालय प्रत्येक लोगों को देने किया, 5 किलो अनाज देने का काम किया। स्वास्थ्य मंत्री थे हम तो उस समय, इन्होंने माननीय मोदी जी ने 5 लाख रुपया का आयुष्मान भारत का इन्होंने सभी को देने का काम किया। इस तरह से अनेक काम जो उन्होंने किया है। और इतने नहीं, महिलाओं को आरक्षण कभी नहीं मिलता था, आरक्षण देने का काम किया 33% जो कोई नहीं दे सका। इस तरह से हम समझते हैं कि जितना भी काम है मोदी जी का धरातल पर है, उसी को मैं गरीबों तक पहुँचाया है। इसके लिए मैं वोट मांगने आया हूँ। दूसरा चीज़ क्या है कि बीजेपी ने अभी जो पंचपरण योजना लाया है, पंचपरण में यही है कि जो हमारे 2100 रुपया जो है एक महिला को जो है, जो 15 साल से लेकर 59 साल की महिला है, उसको हम लोग हर एक महीना के 11 तारीख को खाता में डालेंगे, जिससे उसका जीवन बसर चलेगा। और इतने ही नहीं, उसके दूसरा है कि गैस का जो सिलेंडर है, हम 1000 जो दाम है उसको 500 रुपया में देंगे और 2 सिलेंडर फ्री में देंगे 1 साल के अंदर। तीसरा चीज़ है कि जो हमारे बच्चे लोग MBA पढ़ के मारे चले, उसको 2000 रुपया हम भत्ता देने का काम करें, उसके खाता में जाएगा। नौकरी की दिक्कत है, नौकरी के चलते आपने देखा कि पुलिस की बहाली में कितने लोगों का जान इन लोगों ने लिया। हमने नौकरी जो है 2,63,000 लोगों को नौकरी जो है हम लोग तुरंत बहाल करने का योजना बनाई है, बहाल करेंगे। और सबसे पहला है कि यह जो आवास जो देख रहे हैं, तो बालू के बिना आवास नहीं हो रहा है, बालू के बिना आवास नहीं बन रहा है, जिसके चलते हमने जब हम लोग सरकार में आवेंगे तो बालू हम लोग फ्री करेंगे, जिससे आवास बनेगा। इस तरह की हमारी व्यवस्था है। और इतनी नहीं, हम जिस समाज से आते हैं, खासकर मैं चंद्रवंशी समाज से आता हूँ, जब आपने देखा हिंदुस्तानी में महाभारत में 5000 वर्ष के बाद हमें सत्ता में लाने का अगर कोई काम किया तो यह बीजेपी ने किया। महाराजा जरासंध ने, राजगीर के राजा थे, उसके बाद हमको मंत्री बनाने का जो काम किया है वह बीजेपी ने किया है। इस समाज को जो है अगर उठाने का काम किया है तो बीजेपी ने किया। बिहार में भी देखे, एमपी बनाने का काम किया भीम सिंह को, और जो है मंत्री बनाने का काम किया, हमें भी मंत्री MLA बनाने का काम, अनेक पदों पर लोगों को सुशोभित करने का काम किया। इसलिए इस समाज
को मैंने बीजेपी के लिए ऋणी है कि हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, अनेक इंजीनियर अनेक डॉक्टर सब पढ़ लिख के इसके राज में बीजेपी के राज में जो है बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं तमाम अपने भाइयों से, अपने चंदवंशी भाइयों से मैं गर्वभरी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि बीजेपी को वोट दे और रागिनी सिंह को जिताने का प्रयास करें और मोदी जी के हाथ को मजबूत करें। यही हमारी शुभकामना हो। साथ साथ जितने भी इनके क्षेत्र के जितने भी अन्य वर्ग के लोग हैं, जो काम बीजेपी ने किया उस पर भी मेरा आग्रह है कि इन्हें जो वोट देकर जिताने का काम करें, ताकि एक सफल नेतृत्व का काम करें।